दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में टाइप ऑफ यूनिट में कंपाउंड यूनिट का यूज किस प्रकार से करते हैं और कंपाउंड यूनिट क्रिएट करने से एक कंपनी को क्या बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सारी बातें हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वैसे तो हम एक नॉर्मल बिजनेस के लिए सिंपल यूनिट्स को हम क्रिएट करते हैं, जैसा कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हम चाहे पीसीस में बेचें, चाहे हम बॉक्स में बेचें, चाहे कोई कार्टून में बेचें, या किलोग्राम क्विंटल में कुछ भी हो सकता है। तो अगर कोई प्रोडक्ट केवल एक ही यूनिट के अंदर हम सेल करते हैं तो तब हमें सिंपल यूनिट बनाने की ज़रूरत होती है। अगर कोई प्रोडक्ट हमारे पास अलग अलग यूनिट्स में हम सेल करते हैं तब हमें एक कंपाउंड यूनिट क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जैसा कि हमारे पास कोई एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए हमारे पास कोई प्रोडक्ट शुगर ही है। अब इस शुगर के प्रोडक्ट को हम टन में भी परचेज सेल कर सकते हैं, क्विंटल में भी कर सकते हैं, किलोग्राम में भी कर सकते हैं, या फिर ओनली ग्राम्स के साथ भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से अगर दो या दो से अधिक यूनिट्स की अगर हमें ज़रूरत पड़े तो उस वक्त हमें कंपाउंड यूनिट की ज़रूरत पड़ती है क्रिएट करने की। इसी टाइप से दोस्तों अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए हमारे पास माउस के कुछ प्रोडक्ट हैं। अब माउस को हम बंडल में परचेज करते हैं, मान लीजिए एक बंडल है, उस एक बंडल के अंदर यानी कि कंटेनर हम उसको बोल सकते हैं, उस कंटेनर के अंदर हमारे पास 50 बॉक्स आते हैं और एक बॉक्स के अंदर हमारे पास 12 पीस होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो टोटल 600 पीस की क्वांटिटी हमारे पास होती है। तो अब इस यूनिट को हम बंडल में भी सेल कर सकते हैं, बॉक्स में भी सेल कर सकते हैं, या पर पीस में भी सेल कर सकते हैं। तो यानी कि दो या दो से अधिक यूनिट को अगर हमें ज़रूरत पड़ती है हमारे बिजनेस में, उसी वक्त हमें कंपाउंड यूनिट को क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये सारा बहुत ही प्रैक्टिकल ही है, तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना, कोई भी स्टेप इस वीडियो का स्किप मत करना। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, साथ पर ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में इसी स्टॉक आइटम का हम एग्जांपल लेने वाले हैं, शुगर आइटम का। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तीन ये यूनिट हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, किलोग्राम की, क्विंटल की, टन की। तो इसके लिए सबसे पहले हम हमेशा की तरह जो सिंपल जैसे हम यूनिट क्रिएट करते हैं वैसे हम यूनिट को क्रिएट करेंगे। अल्टर क्रिएट पर हम जाएंगे और उसके बाद में हम जाएंगे यूनिट पे। तो यूनिट हमारा सबसे पहले जो सिंपल यूनिट है केजी का और किलोग्राम, इसका फॉर्मल नेम में फुल फॉर्म इसके लिख देंगे, यूकी से हम केजीएस यानी कि किलोग्राम को सिलेक्ट करेंगे और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे 3 को। और उसके बाद में क्विंटल है तो हमने क्विंटल को सिलेक्ट कर दिया और उसके बाद में इसका जो फुल फॉर्म है, पूरा नाम है जो क्विंटल, वो हम लिख सकते हैं और इसका कोड हम देना होगा QTL और इसमें नंबर ऑफ डेसिमल में हम दो नंबर ऑफ डेसिमल को 2 को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि क्विंटल के साथ केजी चलता है। और जो हमारी थर्ड आइटम है टन में, और टन को भी हम टन में सेलेक्ट करेंगे और इसका जो नंबर ऑफ डेसिमल पहले से वो 3 सेलेक्ट करेंगे क्योंकि अब 3 के अंदर इसको हमें केजी में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। तो यानी कि 1 टन = 10 क्विंटल और 1 क्विंटल = 100 किलो। तो इस तरीके से हमें यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने सिंपल 3 एक बार यूनिट हमने क्रिएट कर लिया है। तब उसके बाद में हमें टेली सॉफ्टवेयर को ये बात बतानी है भी 10 क्विंटल के बराबर में 1 टन होता है। तो एक चीज हमें बतानी है। तो दोस्तों अब हमें यहां पर जो स्टॉक मेन जो हमारी यूनिट होती है, मान लीजिए हम इस प्रोडक्ट को ज्यादातर केजी में ही सेल करेंगे तो हमें केजी की कोई कंपाउंड यूनिट अलग से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जो हमारे पास यूनिट बच जाती है जैसे क्विंटल और टन, तो इसका ही हमें यहां पर कन्वर्जन देना पड़ेगा। उसके बाद में टेली ऑटोमेटिक समझ जाएगा भी यहां पर अगर हमने बता दिया भी 10 क्विंटल = 1 टन तो इसके बराबर में यानी कि उसका मतलब हो गया भी 100 किलो = 1 क्विंटल। तो हमें केवल ये दो चीज ऑप्शन हमें बतानी पड़ेगी। तो अब जिसका मतलब ये हो गया भी अगर हम 1 टन की बात करें तो 1000 kg = 1 टन हो जाएगा। तो इसके लिए हम चलेंगे और इसके लिए अब जैसे हम सिंपल यूनिट पर रहते हुए हम कीबोर्ड से बैकस्पेस का यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिंपल टाइप में, तो यहाँ पर हम इंटरप्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा सिंपल के साथ में कंपाउंड का। तो हम कंपाउंड को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर फर्स्ट यूनिट
तो फर्स्ट यूनिट हम यहां पर देंगे क्विंटल, या आप टन भी दे सकते हो पहले वाले में। टन को दोगे तो आपको क्विंटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्विंटल दोगे तो आपको टन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यानी कि टन, अब एक टन के बराबर कितने क्विंटल होते हैं, यानी कि टन ऑफ 10 क्विंटल, यानी कि एक टन के बराबर में 10 क्विंटल होता है, एक्सेप्ट करेंगे। बस हमें इतना सिंपल काम करना है, और उसके बाद में हमें वो स्टॉक आइटम क्रिएट करनी है जो हमें सेल करनी है। तो स्टॉक आइटम पर जाएंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पर शुगर स्टॉक आइटम का नाम क्रिएट कर लिया। अब इसका अंडर हम एक बार प्राइमरी रख रहे हैं, और उसके बाद में हम इसको सेलेक्ट करेंगे हमारी जो मेन यूनिट है केजी की। तो उसके बाद में केजी हम सेलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद में आपके पास ये अल्टरनेटिव यूनिट का ऑप्शन होना जरूरी है एप्लीकेबल इसको। अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको सिंपल F12 प्रेस करना है, और F12 प्रेस करने के बाद में आपको इन्वेंट्री डिटेल्स के अंदर ये ऑप्शन दिखाई दे देगा, यूज अल्टरनेटिव यूनिट। तो ये अगर आपके पास नो है इस ऑप्शन को तो आपको यस कर लेना है। तो जैसे हम यस करेंगे तो हमारी जो स्टॉक आइटम क्रिएशन की जो विंडो है उसके ऊपर आपको ये शो होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद में हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे अब एक क्विंटल। अब यहाँ पर टन ऑफ 10 क्विंटल तो हमने ऑलरेडी दे ही दिया था, अब हमें यहाँ पर डिटेल देनी है भी एक क्विंटल में केजी कितने होते हैं। तो एक क्विंटल बराबर 100 किलो, और उसके बाद में हमेशा की तरह इसके ऊपर जो GST का जो रेट वगैरह वो एप्लीकेबल रहेगा। तो हम मान लीजिए इस प्रोडक्ट को हम एप्लीकेबल कर देंगे, HSN कोड हम यहाँ पे जैसे डिस्प्ले शुगर डाल देंगे, HSN कोड यहाँ पर हम डाल देंगे, और इसकी टैक्सेबल वैल्यू 5% की, और गुड्स रखते हैं इस विंडो को करेंगे एक्सेप्ट। तो इस तरीके से हमने स्टॉक आइटम को तो क्रिएट कर लिया। अब हम इस स्टॉक आइटम को परचेज कर देखते हैं। वाउचर पर हम जाएंगे और F9 यानी कि परचेज वाउचर हम यूज़ करेंगे। उसके बाद में हमेशा की तरह वाउचर का नंबर, सप्लायर का इनवॉइस का नंबर, उसके में पार्टी अकाउंट में डिटेल, और उसके बाद में हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे स्टॉक आइटम शुगर को। तो जैसे ही हम शुगर को सेलेक्ट करेंगे तो क्वांटिटी हम डालेंगे, मान लीजिए सबसे पहले हम 5 करेंगे। तो जैसे ही हम 5 करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं 5 डॉट, यानी कि 5 किलो, यानी कि 0.05 टन। अगर मान लीजिए आपने ये 5 टन में परचेज किया है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 5 और मैनुअल टाइप करना पड़ेगा साथ में टन। तो जैसे ही हम यहाँ पर 5 टन करेंगे तो यहाँ पर हमें ये दिखा देगा 5000 केजी, यानी कि एक टन के अंदर 1000 केजी, तो 5 टन है तो 5000 केजी। अब इसको अंदर हम कहते हैं क्विंटल, मान लीजिए हमने 5 क्विंटल कर लिया, तो 5 क्विंटल हमने जो यूनिट का नाम दिया था वो हमें पूरा टाइप करना होगा, QNTL हमने लिखा था। तो जैसे हम 5 क्विंटल करेंगे यहाँ पर तो ये दिखा देगा 500 केजी, यानी कि 0.5, आधा टन। तो अगर हमें ग्राम के साथ हो भी, हमें 1 किलो और 200 ग्राम चाहिए, तो हम यहाँ पर 1.200 करेंगे तो ये 1.200 केजी आपको दिखाएगा। अगर आप मान लीजिए आपने 5 क्विंटल और 40 किलो आपने परचेज करी है तो वहाँ पर 5.40 और QNTL टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको कन्वर्ज कर देगा ये 540 किलो के अंदर। तो इस तरीके से हमने इसको स्टॉक आइटम को एक ही अलग अलग टाइप की जो हमने जो यूनिट हमने क्रिएट करी तो उसको यहाँ पर मैनुअल रूप से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद मान लीजिए आपने 5 टन खरीदा है भी, 5 टन और 50, मतलब 5 टन यानी कि 5 TON हम करते हैं, तो 5 टन जैसे हम करेंगे तो 5000 क्विंटल दिखाएगा। और यहाँ पर अगर आप रेट देना चाहो इसके साथ में क्विंटल का, यानी कि 5000 टन तो हो गया, लेकिन अब मान लीजिए आपका इसका जो रेट है वो 3500 रुपये, एंटर मारोगे तो यहाँ पर आपको केजी शो करेगा, लेकिन आपको यहाँ पे 3500 रुपये पर क्विंटल का रेट आपको ये देना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 3500, और यहाँ पर जो केजी आ रहा है यहाँ पर आपको टाइप कर देना होगा क्विंटल। तो जैसे हम क्विंटल करेंगे तो इसका वैल्यू बन के आ जाएगा इस 5000 किलो का 17750 रुपये की। तो इस टाइप से अगर इसका यूनिट हम क्रिएट करेंगे, टन में परचेज करेंगे, रेट इसका जो हम क्विंटल का दे सकते हैं, टन का दे सकते हैं, या अगर हमने कोई टन में परचेज किया है, रेट अगर हमें उसका कोई केजी का देना पड़े तो हम केजी का रेट दे सकते हैं। जैसा कि अभी हमारे पास जो हमने परचेज यूनिट अभी करी है वो टन में कर रखी है, तो आपको ये नीचे शो करेगा अभी आपने ऊपर जो यूनिट डाली है किस टाइप का, यानी कि 5 टन आपको दिखा रहा है, इसका मतलब ये 5000 केजी है। और इसको हम एक बार और कन्वर्ट करके देखते हैं क्विंटल में। जैसे कि हमने 4 क्विंटल हमने परचेज किया है, QNTL हम टाइप करेंगे,
और चार चार क्विंटल मतलब 400 केजी। अब यहाँ से अगर आप हमें रेट देना चाहें, मान लीजिए इसका जो रेट है भी 3540 रुपये, तो आपको यहाँ पर एक बार क्विंटल दिखाएगा क्योंकि हमने प्रीवियस में इसको क्विंटल कर रखा है। अगर आप इसको पर केजी का रेट अगर आप देना चाहें, तो जैसे हम इसको 3540 की जगह हम 35.40 करेंगे और यहाँ पर अगर हम केजी करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक आगे इसका जो रेट है वो केजी के हिसाब से कन्वर्ट कर लेगा। तो दोस्तों इसी तरीके से हम परचेज वाउचर की एंट्री करते वक्त हम अलग अलग टाइप की टन्स है, चाहे वो हमारी क्विंटल्स की है, उसको हम यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। इसी टाइप से जब हम इसी प्रोडक्ट को सेल करेंगे, चाहे अगर हम 10 में सेल करें तो हम 10 को यूज़ कर सकते हैं, क्विंटल में सेल कर सकते हैं, या फिर केजी में भी सेल कर सकते हैं। यानी कि एक हमारे प्रोडक्ट को हम तीन दो या दो से ज़्यादा की यूनिट में जो सेल कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि आज का ये जो चैप्टर है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक लाइक देके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।